हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। आज मैं दोस्तों आपको एम्स दिल्ली के बारे में बता रही हूं। वो भाविक बंसल की वीडियो है, उसको मैंने कवर किया है ताकि पता चले। मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आया उसमें कि एम्स का क्या लाइफ स्टाइल है। एम्स में जाना ही तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। MBBS करना, एक तो MBBS का है, नेट का एग्जाम का बहुत टफ होता है, उसके बाद भी एम्स में जाना बहुत ही मुश्किल होता है। मुश्किल पास करके, इतना पढ़ाई लिखाई करके, बाय लक बाय हार्ड वर्क, इतना प्रिपरेशन करने के बाद बच्चे जाते हैं। इसके बाद फिर वहां पर का क्या लाइफ स्टाइल होता है, वो मैंने भाविक बंसल का वीडियो को कवर किया। क्योंकि एम्स में जाना, हर जो भी मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी बच्चों का एम्स में जाना एक सपना होता है। क्योंकि एम्स एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। अब तो हर इसमें राज्य में खुल गया है, बट पहले क्या था, पहले एक दिल्ली में ही एम्स था। वो एम्स अभी भी, एम्स का इम्पोर्टेंस दिल्ली वाला एम्स का बहुत है। तो उसमें भाविक बंसल जो है, वो जो है स्टूडेंट है, वो अपना पूरा वहाँ पर क्या एडमिशन के बाद क्या क्या प्रोसेस चलता है वो दिखाया, कि हॉस्टल कैसा है एम्स के का, लाइफ स्टाइल कैसा है एम्स का, वहाँ पर लाइब्रेरी कैसा है जो 24/7 खुला रहता है, वहाँ पर रिक्रिएशन क्या क्या है, वहाँ पर सीनियर कैसे उसका डाउट जो है वो कैसे क्लियर करता है, बाकी एक्टिविटीज क्या क्या है, स्विमिंग है, गेम्स है, लाइब्रेरी है, और उसका हॉस्टल लाइफ, मतलब टोटल उसने एक एक करके पूरा डिटेल और भी स्टूडेंट से बात करवाया, और भी स्टूडेंट से अपना अपना व्यू सबने उसमें बताया वीडियो में। तो उस तरह करके एम्स के बारे में आदमी को पता चला कि एम्स में जाने के बाद इतना प्रिपरेशन ही बहुत टफ है, लेकिन जाने के बाद बहुत इंजॉय करते हैं वहाँ पर जाके, और इतना फ्रेश रहते हैं। जिम कितना अच्छा है, स्विमिंग पूल, अब बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल है। तो इस तरह करके वहाँ पर बहुत ही जाना ही बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ है। ऑल इंडिया एग्जाम को क्रैक करके इसके बाद भी, रैंक होने के बाद भी वहाँ एडमिशन होता है। रहा फी का स्ट्रक्चर जो है, क्या बोलते हैं, वो है कम है। तो अभी मैं फिर ये वीडियो देखिए, वीडियो के बाद मैं मेरा जो रिएक्शन होगा वो मैं अपना बताऊंगी। और इसको लगाने का पर्पस ये है कि सभी, जितना भी स्टूडेंट है या सबको, एक तो भाविक का वीडियो किसी ने देखा होगा, मैंने भी इसको शेयर इसलिए कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी के पास ये वीडियो जाए और सब देखे कि प्रिपरेशन के बाद अंदर अगर एम्स में पहुँचते हैं तो वहाँ की लाइफ भी बहुत इंजॉयबल है, बहुत आदमी इंजॉय करता है पढ़ने के साथ साथ, और क्या क्या लाइफ स्टाइल है, क्या वहाँ पर इंटरटेन का है, क्या रिक्रिएशन का है, क्या खाना है, क्या फी स्ट्रक्चर है। गरीब से गरीब घर का बच्चा भी आराम से पढ़ाई कर सकता है, आराम से रह सकता है। तो वो सब सारा देखिए। And I'm Bhavik Bansal. I'm a first year MBBS student at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. आज इस वीडियो के थ्रू हम आपको एक इंफोनियम की लाइफ के बारे में बताएंगे, विच रिवॉल्व्स अराउंड मेनी को-करिकुलर एक्टिविटीज, बहुत फन होता है, प्लस लेक्चर थिएटर्स कैसे होते हैं, प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं, रिसर्च एक्सपोजर कैसे होता है, हॉस्टल कैसा है, मेस कैसा है, यहाँ पे फीस कितनी है,
लाइब्रेरी जो 24/7 खुली रहती है, स्विमिंग पूल और क्वाड्रेंगल में हमारा स्पोर्टिंग ग्राउंड है एंड स्टफ लाइक दैट। तो आज की वीडियो से आपको एक जनरल आइडिया मिलेगा कि एक इंसान की लाइफ कैसी होती है। कन्वर्जेंस ब्लॉक है, अभी हम अपने प्रैक्टिकल के लिए बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के लिए यहाँ जा रहे हैं। हम सब बैचमेट्स 2019 बैच के, और यहाँ पे प्री एंड पैरामेडिकल फील्ड्स के यानी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स के रिसर्च लैब्स हैं, और हर फैकल्टी एक लैब मेंटेन करता है, और इतने फ्रेंडली हैं वो कि इफ़ यू अप्रोच देम और वो हमें लैब टूर देने को तैयार रहते हैं, और फर्स्ट ईयर में ही लोग रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, विच डिफरेंशिएट एम्स फ्रॉम अदर मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। और इस बिल्डिंग में हमारा एग्जामिनेशन हॉल भी है, जिसमें जो है हमारे जितने भी एमबीबीएस के प्रोफेशनल एग्जाम होते हैं सारे इसी बिल्डिंग में कंडक्ट होते हैं, और हर दो बंदों के लिए एक सीसीटीवी कैमरा होता है, और हम लोग भी इसी जून अपने पहले एमबीबीएस फर्स्ट प्रॉफ एग्जाम देने वाले हैं। यार ऐसा था कि मतलब हमारा ओरिएंटेशन कुछ 8 से स्टार्ट हुआ था, और हमें पहले ही दिन इस कन्वर्जेंस ब्लॉक में लाया गया था, और हमें अलग अलग तरह के रिसर्चेस बताए गए, जैसे पेन का रिसर्च होता है यहाँ पर, स्लीप रिलेटेड रिसर्च भी होता है, तो हमें बहुत इन्फ्लुएंशियल लगा था पहले ही दिन, हमें इतने अच्छे फैकल्टी से ओरिएंट करने मिला, बहुत अच्छा लगा था। एंड जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल कि यहाँ की लैब फैसिलिटीज कैसी है, तो हमारा यहाँ पे हिस्टोलॉजी लैब है, और उसमें हर एक इंडिविजुअल बच्चे को बायनॉक्युलर माइक्रोस्कोप मिलते हैं, एंड इवन इंडिविजुअल बॉक्सेस मिलते हैं, प्लस एन इंडिविजुअल कंप्यूटर स्क्रीन, और ऊपर से टीचर भी एक बड़े से स्क्रीन में डेमोन्स्ट्रेट करता रहता है। सो यू कैन क्लियरली जस्ट मेक अप फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कि यहाँ पे इंडिविजुअल फैसिलिटीज हमें कितनी मिलती है, और कभी भी हम लोग आके हिस्ट्री लैब में अपना साइड नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। सो बेसिकली यही हमारे कन्वर्जेंस ब्लॉक के बारे में एक आइडिया सा है, और इसमें ये फायदा होता है कि इंडिविजुअली आपको एसआर प्रोफेसर इंटरेक्ट कर सकते हैं, कि पर्टिकुलर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है इस्टो स्लाइड में, क्योंकि इस्टो आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा पैथ में आपको, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर। थर्ड एमबीबीएस यूनिट, एंड मैं आज आपने देख लिया यार एम्स के कैंपस स्कूल में आपने कन्वर्जेंस ब्लॉक के बारे में देख लिया, अब मैं एक और एकेडमिक सेंटर एम्स का जो है लाइब्रेरी उसके बारे में आपको बता रहा हूँगा, ठीक है। मैंने इनफैक्ट आप जितने भी इस एम्स कैंपस स्कूल में जितने भी टॉपर्स को आप देखोगे उनके साथ मैंने पर्सनली अपने यूट्यूब चैनल जो आर्यन राज सिंह के नाम से है, ठीक है, उस पर मैंने वीडियोज डाल रखी है इनकी स्ट्रैटेजी मोटिवेशन की, ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने समय में कवर करना है, और डिसिप्लिन फोकस एंड कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव करें, वो सब की भी वीडियोज मैं डाल रखा हूँ, भावे अक्षय अरुणाचू जो मेरे साथ है उसके साथ अंकुर के साथ भी, ड्रॉपर टू टॉपर भी, सारा स्पेक्ट्रम कवर कर रखा है, ठीक। तो यार लाइब्रेरी की बात करें तो अरुणाचू और अच्छे से बता सकता है, ठीक। मैं तो अभी अपने पोस्टिंग से आ रहा था, अरुणाचू ऑलमोस्ट आप कह सकते हो आप जब भी इधर जाते हो एग्जाम का समय आ रहा होता है, लेक्चर के बाद लोग लाइब्रेरी विजिट करते हैं वो कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए, वो जो मोमेंटम होता है पढ़ाई का कंटिन्यू करने के लिए। अरुणाचू बताओ। हाँ, तो जैसे कि आर्यन ने कहा भी, तो लाइब्रेरी हमारे लिए बहुत क्रूशियल हो जाता है, स्पेशली बिफोर एग्जाम जब काफ़ी कुछ सिलेबस कवर करना होता है, तो इसलिए हम लाइब्रेरी आते होते हैं। एक खासियत जो हमारी लाइब्रेरी की है वो है कि 24/7 खुला रहता है, ओनली ड्यूरिंग द नेशनल हॉलीडेज इट इज़ क्लोज, अदर देन दैट वी हैव गॉट न्यूमरस ई फैसिलिटीज टू, जिनमें हमें लैपटॉप्स हो गए या अपने आईपैड्स हो गए उनके लिए हमारे पास प्लग पॉइंट्स है, वाईफाई लाइब्रेरी में वाईफाई है जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा इन्होंने भी हमें हमारे लिए डेस्कटॉप्स इंस्टॉल कर रखे हैं जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा हम रिसर्च पेपर्स अगर कोई स्टडी कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है, रिसर्च पेपर्स की भी एक्सेस है फुल्ली फ्री, और जो जो कुछ कुछ पेड सब्सक्रिप्शन होते हैं, काफ़ी कुछ ऐप्स आते हैं, टूल्स भी काफ़ी आते हैं इंटरनेट के या नेट टूल्स आते हैं, वो सभी अवेलेबल होते थे। तो इन शॉर्ट लाइब्रेरी में हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, यहाँ आके पढ़े छात्र में पढ़ सकते हैं, जो कि हॉस्टल में कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि हम दोस्तों के साथ रहते हैं। तो इन शॉर्ट
यही कहना चाहूँगा कि जो प्लेथोरा ऑफ बुक्स भी जो अवेलेबल है और जो साइलेंस और जो एनवायरनमेंट मिलता है लाइब्रेरी में, वो काफ़ी कुछ अपने जो एम्स की जो स्टडी वाले एनवायरनमेंट को एनहांस करते हैं, पढ़ाई को हेल्प करता है। एंड इनफैक्ट लाइब्रेरी में इतना स्पेस है कि मतलब बहुत ढेर है, हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकता है। एट द सेम टाइम दो फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर भी है इसका और ऊपर भी, आप देख लोगे अभी लाइब्रेरी की फोटो भी हम लोग डाल देंगे। एंड ये कहना चाहूँगा यार, दिस इज द लाइब्रेरी जो डिफ्रेंशिएट करता है एम्स को जिससे कन्वर्जेंस ब्लॉक बाकी इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री से। 24/7 फैसिलिटीज बाकी जगह नहीं है, वहाँ पे वो क्लोज होता है टाइम टू टाइम। यहाँ पे 24/7 रात को जब भी आना है आओ, आराम से कॉफी स्पॉट से कॉफी लेके आओ, आराम से बैठ के पियो और पढ़ाई करो और फिर जाओ। एंड इनफैक्ट मैं लाइब्रेरी के मुद्दे पे ये कहना चाहूँगा, हम लोग ने बुक भी डाल रखी है, ठीक है, मैंने को ऑथर किया है एक बुक नीट मोस्ट वांटेड बायोलॉजी के नाम से, अभी बेस्ट सेलर चल रही है अमेजोन पे। उसका जो रिव्यू है ना, उसका प्रीवी सैंपल जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल एम्सोनियन एआरएस के नाम से, आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ, टेलीग्राम ऐप पे सर्च करो एम्सोनियन एआरएस के नाम से, वहाँ पे मैंने प्रीव्यू डाल रखा है, आपको जरूर पसंद आएगी। अभी बेस्ट सेलर चल रही है, एवरीवन अक्रॉस द कंट्री इज लविंग इट, आई होप आपको भी वो पसंद आए। अंकुर यादव एंड आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन एम्स दिल्ली। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा एचयू रूम है गाइज, ये एचयू रूम लाइक 24/7 खुला रहता है और यहाँ पे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं और इसके अलावा जो सीनियर्स होते हैं हम यहाँ पे चॉक टॉक देते हैं, जब भी मतलब हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो हमारे सीनियर्स उसको यहाँ पे समझाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे एचयू की मीटिंग्स भी होती है, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट मिलकर जो भी डिसीजन वगैरह लेना होता है वो लेते हैं। और गाइज हम लोग यहाँ पे बहुत चिल आउट करते हैं, लाइक पूरा 24/7 खुला होता है, तो जब भी लाइक पेपर हम लोग पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं तो कोई भी 2-3 बच्चे यहाँ पे आके बैठ के हम लोग बातें बातें करते हैं। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे इंडोर गेम्स वगैरह भी खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, तो लाइक गाइस ये 24/7 खुला है, हम लोग को यहाँ पे बहुत फन होता है। हमारी पेज टर्नर लाइब्रेरी है और यहाँ पे आप जो बोर्ड देख रहे हो ये हमारा स्टूडेंट यूनियन का बोर्ड है, यहाँ पे हमारे जितने भी कोर्स अवेलेबल है उनके फॉर्म कोर्स को स्टैंड करके उसका नाम लिखा हुआ है विद देयर रूम नंबर। और गाइस ये जो लाइब्रेरी है यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की बुक्स हो गए, नॉवल्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, तो जो हमारे अकेडमिक से अलग जो बुक्स हैं आप वो यहाँ पे आके पढ़ सकते हो, यहाँ पे अवेलेबल है। हर महीने लाइक मैगजीन भी यहाँ पे अवेलेबल होती है और नॉवल्स मैंने बताए थे, तो हम लोग यहाँ पे लाइक अकेडमिक के अलावा कोई भी अगर हमें चीज़ पढ़ी होगी तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर भी लाइक हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। अकेडमिक वाली अगर बुक भी आपको पढ़नी हो तो यहाँ पे ये भी 24/7 खुली होती, तो ऐसे यहाँ पे आके पढ़ भी सकते हो। My name is Chaitanya Mittal and I am a first year MBBS student at AIIMS New Delhi. As part of this campus tour, अब मैं आपको बताऊंगा कि AIIMS का fee structure क्या है, ताकि आपको पता चले कि exactly कितने कम पैसे में AIIMS आपको ये सारी facilities दे रहा है। तो AIIMS का fee structure basically दो parts में divided है, जिसमें जो पहला part है वो academics related है और दूसरा part hostel related है। तो total fees जो मैंने इन 5.5 साल इनफैक्ट 4.5 साल की दी है वो है 5,856 रुपीज़। उसके अलावा मेरी एक साल की इंटर्नशिप है जिसमें मेरे को पर मंथ 23,500 रुपये का स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो एक तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो दो कंपोनेंट्स मैंने आपको फी स्ट्रक्चर के बताए जो 5,856 में कवर हो रहे हैं, उसमें एक अकेडमिक कंपोनेंट है जिसमें आपका ट्यूशन फी, कॉशन मनी, रजिस्ट्रेशन फीस, स्टूडेंट यूनियन फीस, ये सब मिला के 1,628 है, जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस 25 रुपीज़ है, कॉशन मनी 100 रुपीज़ है, स्टूडेंट यूनियन फीस 63 रुपीज़ है, ट्यूशन फीस 1,350 रुपये है, तो ये सब मिला के 1,628 रुपये का टोटल है। उसके अलावा हॉस्टल सेक्शन की जो फीस है वो मिला के 4,228 रुपये है, जिसमें हॉस्टल का खर्चा 990 रुपये है जो हॉस्टल रेंट है। उसके अलावा जिम खाना का फी है एक वो शायद कुछ 200 रुपये है, और एक पॉट फंड है जो मेरे को आज तक पता भी नहीं चला क्या है, बट कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा।
वो 1320 रुपए का था। उसके अलावा मेरा बिजली का बिल 5.5 साल का 200 रुपए है, मतलब 198 रुपीज़ है, और उसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज इंक्लूडेड है, तो वो भी एट द कॉस्ट ऑफ पीनट्स है। और उसके अलावा हॉस्टल फीस, हॉस्टल सिक्योरिटी और मेस सिक्योरिटी है, जो हॉस्टल सिक्योरिटी 1000 रुपये की है, मेस सिक्योरिटी 500 रुपये की है, और ये दोनों फीस रिफंडेबल है। तो जो मैंने ऑलरेडी 5,856 दिए हैं उसमें से भी 1500 आप कम कर दो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी रिफंडेबल है। तो गाइस ये था ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर एम्स न्यू दिल्ली का। I am Akshat Kaushik, first year student AIIMS UG. And myself Agad Dubey, first year AIIMS UG student. तो आज हम आपको एम्स का जिमखाना टूर कराने आए हैं, एंड आई एम गोना स्टार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम एम्स जिमखाने के सामने खड़े हैं, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है एम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे एम्स यूजी बॉडी एंड इवन कुछ रेजिडेंट्स अपनी फिटनेस मेंटेन करने के लिए आते हैं। इसके अंदर एम्स जिम खाना के अंदर जिम भी है, कार्डियो सेक्शन अलग से है, यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है, वुडन 3 कोर्ट्स लगातार एक साथ है, ट्रेनर भी होता है हमारे साथ, टेबल टेनिस के लिए भी टेबल टेनिस टीटी टेबल रखे हुए हैं, ऊपर रेक रूम है जहाँ पे रिक्रिएशनल रूम है जहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, इंडोर गेम्स वगैरह वहीं होते हैं। एंड रेक रूम का हम और मल्टीपर्पज यूज करते हैं, जैसे हमारी जो सरस्वती पूजा और ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं कल्चरल वाले, वो भी रेक रूम में ही होते हैं। तो जिम बडी तो हमारे बैच का अक्षत कौशिक ही है, तो यही बताएगा कि यहाँ के जिम में क्या क्या फैसिलिटीज है। तो यहाँ के कार्डियो सेक्शन में हमारे पास ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर्स, रिकमेंड बाय केयर, डायनामो बाइक्स एंड सारे कार्डियो इक्विपमेंट्स होते हैं। वेट सेक्शन में आपके सारे मशीन एंड डंबल्स, आपके बार्बल्स एंड वेट सेक्शन होता है। उसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए हमारे पास बाहर बास्केटबॉल कोर्ट्स एंड टेनिस कोर्ट्स भी हैं, एंड राइट अपोजिट साइड पे हमारे एक स्विमिंग पूल है जो कि ओलंपिक साइज का है, एंड वहाँ पे बहुत अच्छी मतलब स्विमिंग फैसिलिटीज हैं। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ एक वीडियोस में पुरानी, कि सामने जो क्वाड है वहाँ पे पूरे क्रिकेट के लिए भी ग्राउंड है, फुटबॉल के लिए भी वहीं ग्राउंड है, बीबी कोर्ट भी है हमारे पास, टेनिस कोर्ट है, स्क्वाश कोर्ट है, सारा कुछ ये जिमखाना ही रेगुलेट करता है, मतलब मेंटेन करता है, तो सारे स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। तो ओवरऑल ये सारी फैसिलिटीज एम्स यूजी स्टूडेंट्स यूज करते हैं अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए एंड अपने एथलेटिक चीजों को बढ़ाने के लिए। हमारी कैंपस लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को दिखाने के लिए मैं आज हमारे हॉस्टल से दिखाना चाहता हूँ। ये है हमारा हॉस्टल नंबर 6 जहाँ पे सारे फर्स्ट ईयर यूजीज रुके हुए हैं। मतलब कुछ फ्रेंड्स मेरे जो हैं वो हॉस्टल नंबर 7 जो एंट्रेंस हॉस्टल के एंट्रेंस पे है वहाँ पे, बाकी सारे के सारे यूजीज हॉस्टल नंबर 6 में ही रुके हुए हैं। कुछ फ्रेंड्स मेरे देख सकते हैं आप यहाँ से आ रहे हैं, जो क्लास से आ रहे हैं, लैपटॉप डाले हुए अरुण है, अंकित है, ये खेल के आ रहे हैं हमारे दोस्त, और कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए बात कर रहे हैं। तो बस मैथ से किसी ने ऑर्डर किया है कुछ खाने के लिए, तो यही हमारा हॉस्टल है, यही वो ठिकाना है जहाँ पे हम सारे दोस्त मिलकर मस्ती करते हैं दिन भर। हमारी फैमिली एक तरीके से एम्स में यही है हमारा हॉस्टल, क्योंकि फर्स्ट ईयर की यही खास बात है, एम्स में फर्स्ट ईयर यूजीज हमेशा एक ही हॉस्टल में रुकते हैं, सारे के सारे लोग यही साथ में रुकते हैं। देखिए जैसे मेरा एक फ्रेंड है जिम की तरफ जा रहा है, और भाई तो बस यही लाइफ है यहाँ पे, मस्ती चल रही है, कोई सो के उठ के आ रहा है, भाविक आ चुके हैं तो पीछे छुपे हुए, बस यही चलता है यहाँ पे दिन भर, मटर गस्ती मस्ती चलती रहती है यहाँ पे, क्रिकेट भी हम लोग अंदर खेल लेते हैं, कई बार डांस चलता रहता है, कुछ भी रैंडम एक्टिविटीज चलती रहती है। तो यही हमारा घर है यहाँ पे एम्स दिल्ली में हॉस्टल नंबर 6। Hello guys, myself Vishwa Vadadariya and I am a first year MBBS student at AIIMS New Delhi. So ये जो है ये मेरे hostel का back side है, यहाँ पे इस side मेरी hostel है, और यहाँ पे जो है हमारी सारी hostel की जो birthday parties है या फिर कोई भी function है छोटा मोटा हमें celebrate करना है उस चीज़ को हम यहीं पे celebrate करते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे
जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत ग्राफिटी जो कलाकारी लोगों ने कर रखी है, यहाँ पे ग्राफिटी पेंटिंग है, कुछ कुछ यहाँ पे पीछे की तरफ मैसेजेस कुछ लिख रखे हैं, और इससे और पीछे जो है एक गार्डन है वो यहाँ पे स्विंग भी है, तो वहाँ पे काफी लोग टहलते रहते हैं शाम को, वहीं पे सारी मेजर पार्टी होती है। My name is Arunanshu Bhattacharya, and I'm standing in front of a bookstore in the campus of Ames, where we buy all our books and all the stationery materials which are required by us in our study-related matters. And here you can see that we have got an entire row of shops which are required for meeting our daily needs. We have got one coffee shop where we have coffees or any kinds of bakery items for, you know, relaxation. We have got one juice shop too, where we get to have a variety of juices at minimal prices. And there's one phone repair shop and one photocopy shop too, which are especially required before the exams for, like, you know, copying the notes and everything. And as we move ahead, we find there's one G-store. So we can see here that we have got an array of shops here. So the first one is which we call as G-store or general store, where we get all the you know, like, food items and daily requirements, soaps, shampoos, those kind of things. Then we have got a barber shop where we can obviously cut our hair. We have this one tailor shop, this one cobbler too. And in addition to that, there are some facilities provided by AIMS for, you know, like psychiatric help and medical help too. So those are, like, quite essential for a college student, and that's provided here. So like, that's how I like to end. And behind you, you'll be seeing one hostel number 7, which Raghav had mentioned a bit time before, that where the rest of my friends, the rest of our batchmates are living in. So that's, in short, the shops and the facilities, the amenities which are available for us. So thank you. उसका फी स्ट्रक्चर बहुत कम है। कारण है कि किसी भी इंडिया में, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जो है, अभी तो थोड़ा बढ़ा दिया है, पहले एम्स ने आईआईटी में भी बहुत कम था, 12-16 हजार 18 हजार ऐसे था, तो अभी थोड़ा बढ़ा दिया, बट एम्स में कम है। अभी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जो है बहुत कम है, चाहे इंजीनियरिंग में एनआईटी हो, आईआईटी में था, एम्स में था, या हर जगह जो एनआईटी था, या मेडिकल कॉलेज जो उस डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का होता है वहाँ पर कम था। तो इस तरह करके जो है बहुत कम है। अगर मेरिट में कोई आ जाता है तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा उसको पास आउट होने में, और आराम से, और एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से निकलने से उसका प्लेसमेंट, उसका रहना, और अगर अच्छा हुआ तो एम्स में भी उसको एम्स में भी मिल सकता है मौका। तो इस तरह करके देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो सही लगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।